आंध्र प्रदेश स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई है। अब इस मामले पर देश भर में सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से सपा सांसद अधीश प्रसाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर फैजाबाद सीट से सपा सांसद अधीश प्रसाद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अफवाह फैलाने में महारत हासिल है, ये विश्वसनीय चीज नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। इस तरह की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ने तिरुपति मंदिर में लड्डू के मुद्दे को लेकर दावा किया है कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर से 1,00,000 लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 1,00,000 लड्डू तिरुपति मंदिर से भेजे गए थे, जिन्हें भक्तों में वितरित किया गया था। आपको बता दें कि इधर विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू प्रसादम कथित और चर्बी के इस्तेमाल किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया है कि मौलिक हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन करता है और ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुंचाता है, जो प्रसाद को प्रसाद की तरह मानते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि लड्डू प्रसाद को बनाने में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, जो ये बताता है कि इसमें मंदिर प्रशासन का दोष है। यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था वाईएसआर कांग्रेस की पिछली सरकार के समय में तिरुपति बालाजी में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की है और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। केंद्र इस मामले की जाँच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने पॉलिटिकल बाइट के साथ।